बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दरोगा जीओं के यहां कई एक पार्टियों को बुलागा है। बारी बारी से आपका मनन करते रहेंगे, जैसा गाना बजाना आप लोगों ने, बुजुर्गों ने, भाइयों ने सिखा है, बताया है, अंगाला के सुनाने की कोशिश करेंगे। कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी होता है। सजनो, एक ब्रह्म ज्ञान से पुण्यों ने गौ माता की बात लिखी है। एक गौ माता थी जो पैर से अपार थी, लंगड़ी थी, वो वर्द हुई। उस वर्द अवस्था में भगवान के ऐसे करने हुए कि वो नए दूध हो जाती है। एक बछड़े को जन्म दिया। कुछ ही दिनों बाद में बछड़ा पलता है। दो तीन महीने की आयु में जब होया, एक दिन अपनी मां से आदेश करता है, मां ये मेरे कितने बहन भाई हैं, सब जंगल में हरी हरी घास चरने के लिए जाते हैं, फिर तू क्यों नहीं जाती? वो गौ माता मुस्कुराती है कि बेटा मैं यूं नहीं जाती कि मैं पैर से अपार हूं, लंगड़ी हूं, और वो जंगल का राजा शेर वहां आ गया, तुम लोग सब भाग जाओगे, वो मन खा लेगा। बछड़ा जिद कर लेता है, हट पकड़ जाता है, राज हट, त्रिया हट, घोड़ा हट और बाल हट, चारों हट। पंडितों ने बहुत कड़ी बताई है, अपने बच्चे की हट देखती हुई गौ माता तैयार हो जाती है। जंगल के माचर ने चाली गौ माता की लार, पांच सात दस बछड़े बछड़ी पीसा का परिवार लाइन में लगे हुए गहरे जंगल व्यापान में पहुंच जाते हैं। चढ़ते चढ़ते श्याम हुई और जंगल का राजा शेर आकर दहाड़ मारता है, धड़कता है, बछड़े और बछड़ी सब भाग जाते हैं। लंगड़ी गौ खड़ी हो जाती है, हाथ जोड़ लेती है और शेर से कहती है, भाई मैं जानती हूं तेरे को भूख लगी है, तेरे को भूख लगी है, तेरी भूख तो मेरी मौत, कुछ ज्ञान कर, कुछ मैं बताती हूं। गौ माता उसको ज्ञान बताती है, अकरे बगैर ज्ञान के कौन कौन अधूरे हैं, क्या एरे मौत भूख का एक पिता है, अरे तुझे कैसे ज्ञान नहीं, अरे अधर्म करके जीना चाहता, राजधर्म का ज्ञान नहीं, मौत भूख का एक पिता है, अधर्म करके जीना चाहता, अधर्म का ओ
कौन एक कर्जा ले रहा किसे का, तो यह रहती सच्ची श्यान नहीं। सभा के अंदर वो इंसान बोलने के लायक नहीं रहता। दो अन्य का मानस उठ कर देगा, बैठ जा भाई, अरे तने फलाने के 10 रुपए चाहिए, देने तो दिए ना। नंबर दो पे को माता बताती है कि बगैर ज्ञान के भाई कौन कौन धूरे हैं। ये पृथ्वी जल आकाश और वायु बगैर ज्ञान के तो ये भी है, ये भी ज्ञान से टिके हुए हैं। क्या कहा नंबर दो में, यूनियन से है 51 रुपए से ये भाई भी मान सम्मान करता है, धन्यवाद। और नंबर तीन पे एक सत्काम का जिक्र करती है गौ माता। बाहर एक सत्काम लड़का था जिसकी आयु 8 साल की थी, ब्राह्मण का लड़का था। ऋषि के पास गया कि ऋषि जी चेला कर ले। ऋषि ने उसको कहा भाई क्या करेगा कि जी भजन करने को जी करता है। एक बछड़ा एक बछिया उसको दे दिए और कह दिया हाजी इनके 101 हो जा, जब आ जाइए फिर चेला कर लूंगा। सत्काम बछड़े और बछड़ी को लेकर के गहरे जंगल व्यवान में चले जाते हैं, उनकी पालन पोषण करते हैं और तप करते हैं। 20-30-50 साल में 101 जन्म हुए। मन में विचार बना के गुरु जी के दर्शन करने चाहिए। सत्काम उठ के चल देता है, जहां ऋषि बैठा था वहां जाके कहा गुरु जी को दंडौत है, प्रणाम है के कौन के मैं था जी आपका चेला सत्काम। भाई मैं तो जानता नहीं। सजना बताते हैं जो बछड़ा दिया था वो बूढ़ा हो चुका था, आखिरी में सबसे पीछे था। आवाज लगाता है कि ऋषि याद कर मैं ही वो बादशाह हूं जो छोटा हाथ ने इसको दिया था। और गिनती कर 101 जीव है आज हम, इसकी तपस्या से और इसकी मेहनत से। बताते हैं उसको मोक्ष प्राप्त हुई लड़के सत्काम को। क्या कहा को सत्य कहा
साथ चला गया प्रेम से उत्तर बढ़ा दिया सत्य काम मेरे गुरु के वचन को धर्म नाम में चरा दिया शान न पाड़ सुना प्रेम से प्रेम का दर्शन करा दिया जीव जबान नहीं अधर्म कर बताती है बुजुर्गों, अरे मेरे को ज्ञान नहीं था, मेरी जवानी पहरे में खाई से कूदी और या टांग तोड़वा ली, अरे फिर भी ज्ञान नहीं है, मेरी वर्द उम्र हुई, आदरणीय ब्रजेश जी लंबरार छोटा गांव से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। अरे फिर भी ज्ञान नहीं हुआ, उस वक्त उम्र में मैं नए दूध हुई, फिर भी ज्ञान नहीं हुआ, एक पछड़े को जन्म दिया, अरे फिर भी ज्ञान नहीं हुआ, उस पछड़े की बात मान के यहां तक आई, तू क्यों निराकार का बच्चा बनता है, तू तो कुछ ज्ञान कर, क्या कहा आखिर में।